पर मैंने आग जला दी है। ये देखिए निकाल रखी है, बच्चे गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। इसमें प्रेशर में जो है दाल उबाल दी है। और अब गाइस 4:10 हो चुकी है देखिए, और सामान गाइस ये देखिए पूरा बिखरा पड़ा हुआ है सामान, तो अभी इसको भी समेटना है। ये चावल, ये दाल और सर लग चुका है, दोनों जो है बैठे हुए हैं। ये देखिए वाड़ा जो है 8 किलोमीटर है, रुद्रप्रयाग 17 किलोमीटर है। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओम ऑप्टिकल्स एंड ब्लॉग। तो कैसे हैं आप? तो गाइस अब जो है आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि हम देवरे ताल पहुँच चुके थे, और यहां से जो है अब हम नीचे जा रहे हैं रोड पे, और अभी जो है बस आधे रास्ते तक आए हैं और यहाँ से निकल चुके हैं। और ये देखिए गाइज, तो गाइज अभी जो है 3 बज चुकी हैं, शाम की 3 बज चुकी हैं, और अब हम रोड पे अभी पहुँचे नहीं हैं, बस लगे हुए हैं, पहुँचने वाले हैं अब, तो ज़्यादा दूर नहीं है। और हमने जो है जो ट्रैकिंग की है आज, वो जो है काफ़ी अच्छे तरीके से की है। मौसम जो है आज बदला हुआ है, धूप नहीं है तो ठंडा भी हो रखा है, लेकिन हमको तो गाइज हम जो है अब नीचे उतर चुके हैं, रोड बस आने वाली है। और ये सामने देखो, ये सारी गांव है गाइज, और ऊपर जो है पहाड़ काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और ये जो है सारी गांव है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से देखने में, काफ़ी अमेजिंग लग रहा है और शांत वातावरण है गाइज। तो फाइनली गाइज जो है हम नीचे पहुँच चुके हैं, और अब यहाँ से चलते हैं। ये देवरे ताल का जो है द्वार मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये देखिए, तो अब यहाँ से निकलते हैं। तो गाइज अब यहाँ से निकल चुके हैं हम, और अब जो है एक स्पॉट देखते हैं जहाँ पे हमको जो है अब खाना बनाना है, क्योंकि हमने जो है सुबह से कुछ नहीं खाया, ब्रेकफास्ट किया था उसके बाद कुछ नहीं खाया, तो अब जो है कहीं पे एक स्पॉट देखते हैं और जो है अब हम खाना बनाएंगे, तो देखते हैं फिर आगे जाके। तो गाइज फाइनली हमको जो है एक स्पॉट मिल चुका है, और मैं गाड़ी पार्क करता हूँ, उसके बाद जो है फिर यहाँ पर खाना बनाएंगे हम। तो गाइज यहाँ पे हमारा एक दोस्त भी आ चुका है, इसको जो है लास्ट में देंगे खाना। और यहाँ पे मैंने आग जला दी है, ये देखिए निकाल रखी है, बच्चे गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, श्रीमती जी खाना बना रही है। गाइज ये देखिए, ये मैंने जो है इसमें प्रेशर में जो है दाल उबाल दी है, और अब गाइज कढ़ाई में जो है तेल डाल दिया है, अब इसमें बनेगा दाल, और फिर उसके बाद बनाएंगे गाइज चावल। और ये सिलेंडर है, और ये मेरा गैस है, और ये देखिए कुछ इस तरीके का नज़ारा है। और टाइम मैं दिखाता हूँ आपको, इस समय जो है 4:10 हो चुकी है, और इस खाना खाने के बाद फिर गाइस यहाँ से निकलते हैं। कम करना थोड़ा, तो ये यहाँ पे खाना बन रहा है, और ये हमारा ये दोस्त है जो बिल्कुल यहाँ से हिल नहीं रहा है, तो इसको जो है बाद में बिस्किट देंगे। और बच्चे यहाँ जो है अंदर कोई मोबाइल देख रहा है, कोई नमकीन खा रहा है, ये देखिए। और सामान गाइस ये देखिए पूरा बिखरा पड़ा हुआ है सामान, तो अभी इसको भी समेटना है, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं आज जो है कहाँ पे कैंप करते हैं। यहाँ पे हम हमारा खाना बन चुका है, और अब खाने की तैयारी करते हैं। वैसे अभी प्रेशर पर सिटी आ रही है, प्रॉपर अभी बना नहीं है, और बच्चे मैंने अंदर भेज दिए हैं, बिस्तर उनका लग चुका है। और अभी जो है टाइम 4:35 हो चुकी है, और आग जो है यहाँ पे बुझ चुकी है, क्योंकि महाशय जी ने आग में पानी डाल दिया, पीने के बाद उसमें पानी डाल दिया, तो आग बुझ चुकी है, तो अब इसको जलाने का कोई मतलब नहीं है। तो अब यहाँ से निकलते हैं खाना खाने के बाद। तो गाइस खाना हमारा बन चुका है, ये देखिए, ये चावल, ये दाल, और यहाँ पर मैंने पापड़ भी सेके हैं कुछ, और अब जो है इसको खाते हैं और इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर आपको मिलते हैं। ये देखिए अध्ययन आज खुद खा रहा है खाना, ये देखिए गाइस ये कभी नहीं खाता, उल्टे हाथ से खा रहा है, और यहाँ पे पापड़ हैं, तो इस खाने को जो है, तो गाइस इस खाने को जल्दी से फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर आपको आगे मिलते हैं। और अभी गर्म है, और काफ़ी एंजॉय किया हमने आज, और
गाइज 5 बज गई खाना बनाते बनाते, तो अब यहाँ से फिर निकलेंगे आगे, देखते हैं आज कहाँ पे स्टे होता है। तो गाइज इस खाने को फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर आपको आगे मिलते हैं। तो गाइज खाना हमने खा दिया है और आग यहाँ पे जल रही है, अब आग भी कम हो चुकी है और गाड़ी मैंने पैक कर दी है, सामान सामान सब रख दिए और अब यहाँ से निकलने की तैयारी है। ऑलमोस्ट 5:30 हो चुकी हैं, तो अब यहाँ से निकलते हैं। बच्चे गाइज दोनों जो हैं पैक हो चुके हैं, ये देखिए उनका बिस्तर लग चुका है, दोनों जो हैं बैठे हुए हैं, ये देखिए बैठे हुए हैं दोनों, गाड़ी पैक है और यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अभी हम ये जो गाइज देवरा तलाली रोड है उसी रोड पे एक स्पॉट पे रुके हुए हैं, तो देखते हैं फिर कब तक पहुँचते हैं नीचे। ये कुछ नज़ारा है यहाँ का, ये देखिए ऊपर जो है बादल लग चुके हैं, काले बादल लग चुके हैं, तो बारिश आने की संभावना है। फिर यहाँ से टाइम काफ़ी हो चुका है, एक घंटा लगभग, एक या डेढ़ घंटा हमको जो है यहाँ पे खाना बनाने में लगा। और तो गाइज ये मैंने बिसलेरी का पूरा केन लिया था और इसमें से जो है सिर्फ 4 बोतलें ही लगी हैं, बाकी हमारे पास पानी काफ़ी था। तो गाइज अंधेरा काफ़ी हो चुका है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पे कुछ भैया लोग बैठे हुए हैं, तो चलो फिर आगे मिलते हैं। तो गाइज यहाँ से निकल चुके हैं और अभी जो है टाइम 6:45 हो चुकी हैं और अभी जो है हम देवरे ताल वाली रोड पे ही हैं, तो देखते हैं कि हम आज कहाँ तक पहुँचते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे होम स्टे हैं गाइज जो आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइज हम जो है ओखी मठ से नीचे आ चुके हैं और अभी जो है टाइम 6:14 हो चुकी है। तो गाइज अब देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ तक हमारा स्टे जाता है। और गाइज अभी बारिश की हल्की हल्की बूंदें जो हैं अब आने लग गई हैं और बाहर जो है हवा चल रही है, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है गाइज। तो गाइज फिर देखते हैं फिर। तो गाइज हम जो है अभी अगस्त मुनि पहुँचने वाले हैं, अगस्त मुनि अभी पहुँचे नहीं है जो है यहाँ से, जो रुद्रप्रयाग का डेस्टिनेशन लगा रखा मैंने, तो यहाँ से बता रहा है गाइज 22 मिनट का रास्ता बता रहा है। तो और यहाँ पे जो है बारिश अब लग चुकी है, बारिश हो रही है और देखते हैं कितने टाइम पे, 22 मिनट का डेस्टिनेशन बता रहा है यहाँ से। रोड काफ़ी अच्छी है, रोड काफ़ी अच्छी है यहाँ से। और अभी जो है टाइम हो चुका है दोस्तों 6:54, यानी कि 7 बजने वाली है, तो टाइम भी अभी खैर ज़्यादा नहीं हुआ है। तो देखते हैं रुद्रप्रयाग में रुकेंगे आज, देखते हैं गाइस कैसा रहता है आज का दिन, रात आज की रात कैसी रहती है देखते हैं। और पीछे थोड़ा सा तेज़ बारिश लगी थी लेकिन यहाँ पर जो है फिर बारिश जो है बहुत कम हो चुकी है। गाइज अब हम अगस्त मुनि पहुँच चुके हैं, अगस्त मुनि का मार्केट हम क्रॉस कर रहे हैं इस समय और अब यहाँ से आएगा फिर आगे तिलवाड़ा। तो गाइज यहाँ से जो है तिलवाड़ा जो है 8 किलोमीटर है, रुद्रप्रयाग 17 किलोमीटर है और बारिश जो है अब कंटिन्यू हो रही है। और यहाँ से रुद्रप्रयाग की दूरी जो है 8 किलोमीटर है, तो रुद्रप्रयाग का पहुँचने वाले हैं और अभी जो है टाइम हो रहा है 7:10, तो हम 10 मिनट में जो है यहाँ पहुँच चुके हैं अगस्त मुनि से तिलवाड़ा में और आगे 10 मिनट में जो है हम रुद्रप्रयाग पहुँच जाएंगे। तो गाइस फाइनली हम जो है रुद्रप्रयाग पहुँच चुके हैं, ये देखिए मैं रुद्रप्रयाग की जो सुरंग है उसको क्रॉस कर रहा हूँ, उसके बाद जो है सामने एक ब्रिज आएगा, तो रुद्रप्रयाग मार्केट हम पहुंच चुके हैं इस समय। तो गाइस फाइनली जो है हम रुद्रप्रयाग मार्केट पहुंच चुके हैं
और अब जो है 7:31 हो चुकी हैं। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करना चाहता हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए गाइज। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो देखने का आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।